इस समय छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनमें एक एक हफ्ता भी बुखार नहीं उतर रहा है, तो उसमें बच्चों को एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना दें। लोग हमारे पास मन की रिपोर्ट करा के आ रहे हैं और उनका टाइटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं। अगर आप बच्चों को एंटीबायोटिक देंगे, प्लेटलेट काउंट एकदम से डाउन होगा। आरोग्य धाम में कानपुर शहर, यूपी के अलावा अन्य स्टेट से भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं, 2 से 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य बता रहे हैं कि विभिन्न नर्सिंग होम में जो पेशेंट ICU में भर्ती हैं, आरोग्य धाम में वो भी उपचार ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनका NS1 बढ़ा हुआ है, जिनका प्लेटलेट 20,000, 30,000 से लेकर के 50,000 तक भी है, और हमारी होम्योपैथी दवाइयों से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। इस समय डेंगू में वायरल निमोनाइटिस बहुत कॉमन है, हमारी होम्योपैथिक दवाइयों से वायरल निमोनाइटिस भी ठीक हो जाती है। और दीपावली का टाइम आ रहा है, धूल धुएं डस्ट से जिनको एलर्जी है, जिन छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा है, वो भी ठीक हो जा रहे हैं। छोटे बच्चों में नाक बंद होने की शिकायत बहुत है, गले में खराश है, बच्चों में सुस्ती आ रही है, तो ऐसे बच्चों को ठंडे गर्म टेम्परेचर से बचाएं, एकदम से AC से धूप में मत जाएं, धूप से AC में मत जाएं, उन्हें ठंडा पानी मत दें, उन्हें कोल्ड ड्रिंक मत दें, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ना होने दें। गुनगुने पानी में इलेक्ट्रॉल, मूंग की दाल, नमकीन दलिया, खिचड़ी और सूप निरंतर रेगुलर इंटरवल पर देना चाहिए। बुखार अगर 103-104 बढ़ रहा है तो सीने को छोड़कर पूरे शरीर में ठंडे पानी की पट्टी आप लोग कर सकते हैं, और किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। आरोग्य धाम होम्योपैथिक में डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर आरती हम लोग मिल करके डेंगू कोरोना पर पूरा युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, और किसी को जाने की जरूरत नहीं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए, किसी के पास रुपए हैं नहीं है, हम लोग वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट एनी हाउ, देयर मस्ट नॉट बी एनी डेथ ड्यू टू डेंगू और कोरोना। होम्योपैथिक मेडिसिन डेंगू कोरोना में मिराक्लस रिस्पॉन्स, और केवल होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में ही डेंगू का उपचार संभव है।